कैसे भी बनता है। तो अब इसे जल्द ट्राई भी ना और देखना कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है हमारा केक विदाउट ओवर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज लेट्स कुक विद आफरीन में मैं बताने जा रही हूँ आप सबको एक चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी, जो हम चॉकलेट केक बनाते हैं उसके लिए जो बेसिक स्पॉन्ज है उसकी रेसिपी, और वो भी मैं गैस पे बनाना बताऊंगी विदाउट ओवन। उसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 4 eggs लिए हैं जो रूम टेम्परेचर के हैं। अगर आप फ्रिज के eggs यूज़ करना चाहते हैं तो उसे एक रात पहले ही निकाल के रख देना है ताकि उसकी पूरी ठंडक निकल जाए। यहाँ मैंने लिया है 120 grams मैदा, 120 grams शुगर, इसमें मैंने लिया है 25 grams वाटर, प्लेन वाटर, और यहाँ पे लिया है मैंने 20 ml ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, बेकिंग पाउडर 1 tablespoon, ये मैंने केक जेल लिया है यहाँ पे जिसे मैं केक में डालूँगी, ये इसका बॉक्स है, एम जेल केक इम्प्रूवर जेल आता है ये, इससे जो केक है एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कोको पाउडर जो है वो 2 to 3 tablespoons, आप 1 tablespoon भी ले सकते हैं जैसा आपको फ्लेवर चाहिए, वनीला एसेंस 1 teaspoon, और यहाँ मैंने लिया है पाइनएप्पल एसेंस 1 teaspoon, 1/2 teaspoon। तीन बार बोल और लिख। बाउल में मैंने 4 eggs डाल दिए हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी 120 grams शुगर, मैंने होल शुगर ऐड किया है क्योंकि ये बीटिंग में मेल्ट हो जाएगा एग्स के साथ। इसे हम 5 minutes के लिए बीट करेंगे फुल स्पीड पे, हमारा जो बीटर है वो फुल स्पीड पे रखना है और उसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से बीट करना है। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, बस उसे एक ही डायरेक्शन में 5 minutes तक बीट करना है जब तक वो लाइट कलर नहीं। तो 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना लाइट कलर हो चुका है हमारे बैटर का, ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस 1/2 teaspoon, और मैं इसमें 1/2 teaspoon पाइनएप्पल एसेंस इसलिए ऐड करती हूँ ताकि एग की जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी पाइनएप्पल एसेंस डालने से, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड करती हूँ। एसेंसेस डालने के बाद हम इसे 1 मिनट और बीट करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स कर सके। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल, एंड प्लेन वाटर, और फिर से हम इसे 1 मिनट तक बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैदे में मिक्स कर रही हूँ 2 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर और ये कोको पाउडर 2 tablespoon, और यहाँ मैं इसमें मिला रही हूँ केक जेल। केक जेल को इसी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से मैदे के अंदर, और अब हम इसमें बीटर यूज़ नहीं करेंगे एग बीटर, अब हम स्पैटुला से इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे बैटर में और मिक्स कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्सिंग करेंगे। 1, 2, 3 कट्स करेंगे और फोल्ड, 1, 2, 3 कट्स एंड फोल्ड, और थोड़ा बैटर मैदा डालेंगे इसमें बैटर में, 1, 2, 3 कट एंड फोल्ड, इसी तरह से हम पूरा मैदा इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट ब्राउन कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दो, इससे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा स्पॉन्ज में, अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, नहीं भी ऐड करेंगे तो। बेक होने के बाद केक इसमें ब्राउन लगेगा, और यहाँ पे मैंने 8 inch की टिन ली थी, इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के, और बटर पेपर राउंड काट के उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया ताकि हमारा केक जो है अच्छे से इजीली निकल जाए। तो ये कलर मिक्स करने के बाद हम बैटर इसमें पोर करेंगे,
तो यहाँ मैं अपना बैटर पोर कर रही हूँ इसमें। ये जो स्पॉन्ज है मैंने 1 kg के केक के लिए बताया है। अगर आप 1 kg का फ्रेश क्रीम वाला केक बनाना चाहते हैं तो उसमें 4x का स्पॉन्ज लेना है। अगर आप 1/2 kg का बनाना चाहते हैं तो 2x का स्पॉन्ज बनाना है। और जितनी भी क्वांटिटीज़ है सब हाफ हाफ हो जाएगी। जैसे जो शुगर है वो हो जाएगा 70 grams, और जो मैदा है वो भी 70 grams, और 2 eggs, और बेकिंग पाउडर और एसेंस की भी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आपका 2 अंडे का स्पॉन्ज बन सकता है। ये हम 1 kg के केक के लिए बना रहे हैं, इसीलिए मैं 4x का बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारा टिन रेडी हो चुका है, अब मैं इसे बेक करने रखूँगी। यहाँ मैंने इडली का कुकर लिया है, आप देख सकते हैं कि इडली का मैंने इस तरह से कुकर लिया है। इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये मैं उसकी ग्रिल रख रही हूँ इसके ऊपर। यहाँ हमारा बैटर आएगा केक का और इसे हम कवर कर देंगे इस तरह से। तो इसे फुल फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए पहले मैं रखती हूँ, उसके बाद 20 मिनट्स के लिए ऑन स्लो फ्लेम, फिर हम केक को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइज हो चुका है हमारा केक। अब हम इसे बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेडी हो चुका है हमारा केक। इसे मैंने गैस पे रेडी किया और आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी और फ्लफी दिख रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मेरे साथ कोई पिक शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है FRWNAPPING_2929। थैंक यू।